कई हज़ार लोग यहाँ पर कई सालों से बसे हुए हैं और पूरे क़ानूनी तरीके से बाज़ाब्ता परमिशन लेके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्री के चार्जेस लिए गए हैं सरकार की तरफ से, इन्हें कराया हुआ है। तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट की जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद लिया गया है। अचानक एक दिन सरकार कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये हमारी है, और प्रशासन भी इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेट किए बगैर अचानक एक दिन रात में इनके प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर से इनका नाम हटा देती है और अपना नाम चढ़ा देती है। तो लोगों के अंदर एक डर है, खौफ है, एक बेचैनी का माहौल है कि क्या होने वाला है करके। मैंने यहाँ पर लोगों के बीच में आया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरे लोग किस तरीके से परेशान है। तो इनको मैं यकीन दिलाने के लिए आया हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है कि सरकार अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहे वो कर ले करके। कुछ ना कुछ तो कानूनी कागजात उन्हें भी बताना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी के जो कार्ड के ऊपर से इनका नाम हटाए हैं वो किस बुनियाद के ऊपर हटाए हैं करके। इन्होंने क्या मेजरमेंट करके ये बताया है कि ये प्रॉपर्टी के अंदर ये घर भी आ रहा है करके, कभी 5 एकड़ बताते हैं, कभी 22 एकड़ बताते हैं। तो ये इसकी पूरी जानकारी मैंने लिया हूँ, मैंने कलेक्टर साहब को भी ये बताया हूँ कि इसके बारे में है, तो हमें एक डिटेल मीटिंग आपके साथ करके आप हमको बताइएगा कि कहाँ से ये मामला आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या भेजा, स्टेट ने आपको क्या भेजा, और फिर अचानक विदाउट ग्राउंड के ऊपर आए देखे हुए आपने ये जो कार्रवाई की है ये गलत है। मैं लोगों को सिर्फ इतना यकीन दिलाने के लिए आया हूँ कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरह का डर फैलाया जा रहा है कि बुलडोज़र चल जाएंगे, घरों को तोड़ दिया जाएगा करके। मैं आपको ये साफ बता दूँ कि इस कानून के तहत घरों को गिराने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी का घर, अगर किसी ने इस एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया है और सरकार उसको एस्टैब्लिश करती है कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो सरकार का मतलब ये है कि हमको सिर्फ पैसा चाहिए करके, हमारी ज़मीन है, हमारे को पैसा चाहिए करके, उनका ये मकसद है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों को मैं यकीन दिलाने के लिए। कई सारी सोसाइटीज़ भी है इसमें जिन्हें एनए लेआउट है, कई। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जब प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई तो सरकार की उस वक्त जिम्मेदारी थी कि उन्होंने ये बताना कि साहब ये रजिस्ट्री हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड है करके। तो हमने रजिस्ट्री ले लिए, उसके रजिस्ट्री के पैसे ले लिए है, पूरा एनए का प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिए है, और अचानक एक दिन नींद में से उठते हैं और कहते हैं नहीं, ये तो मेरी ज़मीन है, अब तुम खाली करो करके। तो ऐसा इतना अंदाज उनको कारोबार नहीं चल रहा। आगे का क्या महसूस रहेगा? मैं कल कलेक्टर लैंड है करके, तो हमने रजिस्ट्री ले लिए, उसके रजिस्ट्री के पैसे ले लिए है, पूरा एनए का प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिए है, और अचानक एक दिन नींद में से उठते हैं और कहते हैं नहीं, ये तो मेरी ज़मीन है, अब तुम खाली करो करके। तो ऐसा इतना अंदाज उनको कारोबार नहीं चलना। आगे का क्या महसूस रहेगा? मैं कल कलेक्टर साहब से मिलने वाला हूँ, कलेक्टर साहब के साथ बात करने वाला हूँ, उनके साथ पूरा डिस्कशन करके मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है उनको अपने तौर के ऊपर पत्र दे रहा हूँ कि मुझे आप पूरी जानकारी दे कि किस बुनियाद के ऊपर है। तो इतने सारे घरों के प्रॉपर्टी कार्ड जो हटा दिए गए हैं, उनके नाम हटा दिए गए हैं, उसकी जानकारी मैं हासिल करूँगा और फिर आगे की कार्रवाई तय करूँगा। देखिए, ये बताना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि कितनी प्रॉपर्टीज़ है, किसी का 1 कमरे का मकान होगा, किसी का 4 कमरे का होगा, किसी का बंगला होगा उसके अंदर, ये समझ के। देखिए, ये जो कानून है इसके अंदर कुछ तरमीम लाई गई थी 2017-18 के अंदर, और उनका ये कहना है कि जितनी एनिमी प्रॉपर्टीज़ देश भर के अंदर है उसके ज़रिए वो पैसा हासिल करना चाहते हैं। वो इसलिए हासिल करना चाहते हैं क्योंकि आपका गरीबों का पैसा लेंगे और अडानी साहब को उनको देने का है, तो हो सकता है अडानी साहब को देने के लिए अब उनको ज़मीन नज़र आ रही है तो आपके पास से पैसा लिया जाएगा और उनको दिया जाएगा करके। लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर उठाऊँगा। चलो।